दिल्ली सरकार ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के काम कर रही है। इस दिशा में दिल्ली के ऊर्जा मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 स्थित BSES के ग्रेड में पहला स्मार्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। एक पैनल में दो गाड़ियां चार्ज की जा सकती हैं। एक बार चार्जिंग के लिए लोगों को 160 से 200 रुपए तक देने होंगे। कार वालों को 1.60 रुपए से लेकर 1.80 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आएगा। ये अपनी तरह का अनोखा कॉन्सेप्ट है जो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करेगा। इलेक्ट्रिफाई नाम के मोबाइल ऐप पर वाहन मालिक ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनका नजदीकी चार्जिंग स्टेशन कौन सा है और किस चार्जिंग स्टेशन पर अभी चार्जिंग पोर्ट खाली है या चार्जिंग के लिए कितनी वेटिंग है। यही नहीं, वेटिंग से बचने के लिए वे वहां पर जाने से पहले ही अपने लिए एक चार्जिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और उसके लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों का समय बचे और चार्जिंग स्टेशन पर जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऑनलाइन भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, UPA और भीम जैसे ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। BSES के CEO अमल सिंह के अनुसार दिल्ली में करीब 2500 इलेक्ट्रिक कारें हैं। उन्हें चार्ज करने के लिए ही कंपनी ने साउथ एक्स पार्ट 2 में चार्जिंग के दो पैनल लगाए हैं। एक पैनल में दो गाड़ियां एक साथ चार्ज की जा सकती हैं। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक करीब 50 और जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में करीबन 150 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है। आने वाले सालों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे में चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। इसे देखते हुए कंपनी ने उन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू किया है जहां सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के लिए और देश को पेट्रोल डीजल जैसी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए।